हेलो गाइस, तो मैं हूं रेंज कलर और आप सबका एक और बार स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि कैसे आप खेल सकते हैं अमोंग अस गेम, मतलब कैसे खेला जाता है अमोंग अस गेम, उसमें क्या रूल्स होते हैं, कैसे खेलते हैं, मैं सब कुछ ये वीडियो में बताने वाला हूँ फुल डिटेल्स में। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए या फिर कुछ समझाना रह जाए तो प्लीज़ गाइस आप कमेंट करके बता देना, मैं दूसरा वीडियो एक बना दूंगा गाइस। तो चलिए अभी हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुको जरा, सबर करो। गाइस तो हम बात कर ले ये होम स्क्रीन की, तो मैं ये फिर से आपको रीओपन करके बता देता हूँ। तो देखो गाइस, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा जब आप अमोंग अस गेम स्टार्ट करोगे। तो ये बहुत ही टाइम ले रहा है गाइस। अरे हाँ, तो ये स्टार्ट हो गया और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कुछ डरावना जैसा रखा है। और इसमें हम अगर लोकल में जाते हैं तो इसमें से हमको क्रिएट गेम करनी पड़ती है। और अपने साइड में बैठे हुए, मतलब अगर आपके घर पे कोई अपना फ्रेंड आया है उसके साथ आप खेलना चाहते हो तो आप लोकल में से खेल सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन में जाओगे तो उसमें तीन ऑप्शंस आएंगे क्रिएट गेम, तो आप जैसे ही क्रिएट गेम में जाओगे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। पहले तो उसमें मैप पूछेगा, तो नॉर्मली तो सब शील्ड ही करते हैं तो मैं भी शील्ड करता हूँ। और आपको इम्पोस्टर्स की रेट, मतलब कितने इम्पोस्टर्स आपकी गेम में आने चाहिए वो आपको डालना होगा। तो मैं इधर 3 डाल रहा हूँ। तो जैसे ही आप 1 करोगे तो इसमें बहुत कम क्रू मेंबर्स का लिस्ट आ जाएगा। तो मैक्स प्लेयर्स कितने हो सकते हैं गेम में, अगर हम 3 इम्पोस्टर करें तो हम 8 या फिर 7, 6 ऐसे नहीं ले सकते। हम सिर्फ 9 या फिर 10 प्लेयर्स को ही एक गेम में डाल सकते हैं गाइस। तो और 2 करेंगे तो 7 से लेकर 10 तक डाल सकते हैं, और 1 करेंगे तो 4 से लेकर 10। तो ऐसे ही मैं कर देता हूँ। और इसमें चैट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी लैंग्वेज का आपको करना है चैट, तो मैं अदर कर देता हूँ, मतलब कोई भी लैंग्वेज चलेगी। तो इसमें हमको स्टार्ट कर देना होता है नॉर्मली। और अगर आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हो तो आप ये प्राइवेट कर सकते हो। और ये अपने फ्रेंड्स को कोड देके, मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगा कि कैसे आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सिंपली आप अपने फ्रेंड्स को कोड देके बुला सकते हो अपनी गेम में, कि क्योंकि ये प्राइवेट है वो ऐसे ही नहीं आ सकते। और जैसे ही हम पब्लिक करते हैं तो कोई भी पब्लिक हमारे साथ आ सकती है गाइस। और इसमें ये एक कंप्यूटर होता है, और जैसे ही हम उसके पास जाएंगे तो एक कस्टमाइज का ब्लॉक आएगा, तो उसे जैसे ही दबाएंगे हम अपने कपड़े, स्किन कलर सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। देखो तो कोई भी हैट पहन सकते हैं, पेट कर सकते हैं। स्किन तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, ये खरीदनी पड़ेगी अपने रियल करेंसी से। तो इसमें बहुत सारे सेटिंग्स भी है, अगर आप होस्ट हैं तो ही इनको बदल सकते हैं, वरना आप नहीं बदल पाएंगे। तो इसमें स्पीड भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो गाइस, अगर हमारे टीम मेंबर्स को ज़्यादा दौड़ाना है, जैसा कि आप इधर देख रहे हो मेरा एक टीममेट दौड़ रहा है, तो ऐसे ही अगर मैं स्लो कर दूंगा स्पीड तो वो दौड़ ही नहीं पाएगा, वो चल भी नहीं पाएगा। देखो गाइस वो कितना धीरे धीरे चल रहे हैं हम। और अगर मैं उसे 3x कर दूं तो वो बहुत ही स्पीड में भागने लगेगा। तो ऐसे ही सब कुछ होता है। तो देखो गाइस इतनी स्पीड में भाग सकते हैं हम। तो उसमें ऐसे ही बहुत सारे सेटिंग्स आते हैं, तो जैसे कि मैं अभी एक दिखाता हूँ। इसमें हमको इमरजेंसी मीटिंग्स का सिलेक्ट करना रहता है, तो वो मैक्सिमम 9 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। और इमरजेंसी कूल डाउन भी 0 से लेकर 60 तक का हो सकता है। बाद में डिस्कशन टाइम भी 120 सेकंड्स का हो सकता है, मतलब
वो डिस्कशन टाइम कितनी देर हम डिस्कस करेंगे हमारी गेम को, कि कौन इम्पोस्टर है और कौन क्या है, कौन क्रूमेट है, वो डिस्कशन टाइम होता है उसका, तो वो हमको सेट करना पड़ता है। और इमरजेंसी कूल डाउन वो होता है कि जब हम मतलब किसी को मारते हैं और बाद में कूल डाउन आता है, हम जैसे कि पांच बंदे इधर हैं, मतलब पांच क्रूमेट इधर हैं और हम इम्पोस्टर हैं, तो हम पांचों को एक साथ ना मार पाए इसलिए उसमें इमरजेंसी कूल डाउन होता है। तो हम वो 60 सेकंड्स का कर दें तो हम एक क्रूमेट को मार कर बाद में दूसरे क्रूमेट को मारने के लिए 60 सेकंड्स मतलब एक मिनट तक रुकना पड़ेगा हमको। और बाद में आता है वोटिंग टाइम, मतलब वो वोटिंग कितनी देर तक चला सकते हैं हम, तो वो तो 300 सेकंड्स तक का हो सकता है। और प्लेयर स्पीड वो तो आपको पता ही होगा कि हमारी स्पीड कितनी रह सकती है। और बाद में क्रूमेट विजन, मतलब क्रूमेट कितना देख पाएगा, अगर मैं ये इम्पोस्टर विजन को पूरा ज़ीरो कर दूँ तो वो मैप में बहुत कम देख पाएगा, बहुत कम साइड को देख पाएगा। और बाद में किल कूल डाउन वो 10 सेकंड का नहीं रखना चाहिए हमको, वो तो ज़ीरो तक कर देना चाहिए, मतलब ये मिनिमम 10 सेकंड्स का होता है और मैक्सिमम कितना होता है भाई, 60 सेकंड का होता है, मतलब एक मिनट का होता है। और बाद में किल डिस्टेंस, मतलब इधर हमारे सामने बंदा है और हम उसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रख दें तो हम बड़ी आसानी से इधर खड़े खड़े ये जीनी को मार देंगे, ये जो बंदी है ना उसे मार देंगे। तो ऐसे ही हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट रखूँ तो हमको बिल्कुल पास में जाके उसे मारना पड़ेगा, तो मैं तो लॉन्ग ही रखता हूँ, या फिर शॉर्ट भी रख लेना चाहिए अगर हम इम्पोस्टर नहीं हैं तो। विजुअल टास्क, मतलब उसमें गेम के अंदर हमको टास्क करने रहते हैं, तो ये ऑन करें तो अच्छा होगा क्योंकि ऑन ही सब रखते हैं, ऑन करेंगे तो सब टास्क कर रहे होंगे और आप पीछे से अगर आप इम्पोस्टर हैं तो उसका फ़ायदा उठा के किल ले सकते हैं। और कॉमन टास्क, इसमें आपको सिलेक्ट करना रहता है कि कॉमन टास्क कितने देने हैं हम अपने क्रूमेट को। ये विजुअल टास्क मतलब वही होता है, ये सब एक ही है। कॉमन टास्क मतलब वो बहुत इजी होते हैं, लॉन्ग टास्क मतलब वो बहुत लंबे होते हैं, और शॉर्ट टास्क शॉर्ट होते हैं। तो ऐसे होते हैं। और चलिए हम गेम में जाएंगे और मैं आपको पूरा मैप समझा देता हूँ, सब कुछ समझा देता हूँ गाइस। तो सबसे पहले लीव या फिर रिटर्न करना के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, और इसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स आते हैं। इसमें आप जॉयस्टिक करोगे तो अब आपके पास ऐसा कुछ आएगा हिलाने का, तो उससे आप हिल सकते हैं। और बाद में टच करेंगे तो आप अगर लेफ़्ट साइड टच करते हो तो वो लेफ़्ट साइड जाएगा, और राइट साइड टच करते हो तो वो राइट साइड जाएगा, और ऊपर टच करते हो तो नहीं, नीचे करते हैं तो नीचे जाएगा, बाद में ऊपर करते हैं तो वो ऊपर जाएगा, इसमें ऐसा होता है। तो मैं तो जॉयस्टिक ही रखता हूँ, और इसमें जॉयस्टिक की साइज़ भी सेट करना पड़ता है। तो इसमें जॉयस्टिक की साइज़ जितनी बड़ी रखोगे उतना अच्छा होगा, तो मैं तो इसे फुल ही रखता हूँ। तो बाद में इसमें SFX साउंड में SFX और म्यूज़िक होता है, तो म्यूज़िक आप फुल मत करना वरना बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आएगा गेम का, और ज़ीरो भी मत करना क्योंकि बिल्कुल नहीं आएगा। और बाद में अभी तो मुझे नहीं खेलना इसलिए मैं लीव कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि मैंने कहा था कि अगर हम पब्लिक करते हैं तो हम इधर से किसी की भी गेम में ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैं पब्लिक और वो प्राइवेट कर रहा था। तो इधर हम अगर पब्लिक करेंगे तो हम इधर से कोई भी बंदा हमारी गेम को ज्वाइन कर सकता है। सो गाइस ये क्या हुआ, हाँ तो इधर से जितने भी बंदों ने अभी गेम बनाई होगी उतने बंदे इधर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इधर अगर हम प्राइवेट करते हैं तो इधर से हमको अपना फ्रेंड होगा वो हमको कोड भेजेगा और हम कोड से ज्वाइन कर सकते हैं।
और चलिए हम फ्री प्ले करते हैं। फ्री प्ले क्या होता है? नॉर्मली फ्री प्ले मतलब हमको कुछ भी सीखना हो क्या या फिर कुछ भी करना हो तो हम उधर से कर सकते हैं। उधर कोई भी सच्चे इंसान नहीं आते, वो सिर्फ डमी होते हैं। तो इधर से भी आप चेक कर सकते हैं गेम में। इधर एक हाउ टू प्ले का ऑप्शन होगा, उसको दबाएंगे तो सारे डिटेल्स में ये भी समझा देंगे। तो इधर से आप पढ़ के और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं गेम को। तो चलो हम फ्री प्ले एक बार करके दिखा देते हैं। तो देखिए गाइस, तो इधर सब कुछ आ रहा है, हमारा मैप है ये, मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। तो इधर से आपको ये जो कंप्यूटर होता है, ये आपकी आपकी गेम होती है, ये आपकी गेम है। और इधर से अगर आप कुछ भी करना चाहो, वेपन्स अगर आपको चाहिए तो वेपन्स आप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो गाइस। तो बी इम्पोस्टर या फिर आपको इम्पोस्टर बनना है तो इजीली आप इधर से बन सकते हो इम्पोस्टर, या फिर इधर से आप कुछ भी कर सकते हो गाइस। और इधर से मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, मेरी कहाँ से बढ़ रही है भाई, तो इधर आप, मैं तो सब कुछ अनेबल ही कर रहा हूँ, आप भी सब कुछ अनेबल ही कर देना, क्योंकि ये इसमें भी बहुत मज़ा आती है। तो आप मैप देखना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो ये हम मतलब हम इम्पोस्टर हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी ये है मैड बाय, मतलब ये मैड बे, इसका नाम मैड बे है। तो हम इधर है, ये पूरा मैप है उसका। इधर से हम वेपन्स लेंगे, बाद में इधर से कुछ भी हम कर सकते हैं। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, उधर हम जाके टास्क कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, रिएक्टर, नेविगेशन, शील्ड, बाद में कम्युनिकेशंस, स्टोरेज, एडमिन, इलेक्ट्रिसिटी, लोअर इंजन, अपर इंजन, सिक्योरिटी, बाद में ये कैफेटेरिया, वेपन्स, O2, बाद में इसमें इतने सारे चीज़ें होती है और दूसरे भी बहुत सारे मैप्स होते हैं। तो इसमें सिंपली करना क्या होता है, तो अभी ये बंदा है और मैं इसमें लॉन्ग रेंज रखी है मैंने, कि लॉन्ग रेंज से भी हम बंदे को मार सकते हैं। तो इतना दूर रह के हम बंदे को मार सकते हैं। तो गाइस, इधर से मैं जैसे ही ये किल का बटन दबाऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हो, तो मेरा किल हो जाएगा उधर जाके, और उसमें से आत्मा भी निकलेगी और वो आत्मा घूमती रहेगी हमारी गेम में। और बाद में अगर कोई बंदा आके उसे रिपोर्ट करता है तो एक इमरजेंसी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमको वो ढूंढेंगे कि कौन है कौन है। हमको उनको बताना नहीं है कि हम इम्पोस्टर है, ये तो एक डमी गेम है, इसमें मीटिंग वगैरह वो नहीं करेंगे क्योंकि सारे डमीज होते हैं। और इसमें एक दूसरा भी एक फ़ायदा होता है, ये सिर्फ इम्पोस्टर्स ही कर सकते हैं। देखो ये वेंट में जा सकते हैं हम लोग, और वेंट में से जाके इधर उधर जा सकते हैं, जैसे कि इधर बंदा है तो इधर से हम जाके इसको आसानी से ऐसे मार डालते हैं। और दूसरे भी इधर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। देखो ये सिक्योरिटी का ऑप्शन, मतलब ये हम जहाँ जहाँ कैमराज लगे हुए हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो इधर भी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए उधर से दिख रहा है, इधर भी और इधर भी। तो ऐसे ही आप भी देख सकते हो अगर आप क्रूमेट हो तो, और अगर आप इम्पोस्टर हो तो भी देख सकते हो गाइस। तो ये डमी है, उसको मैं मार डालूँगा और उसमें से भी आत्मा निकलेगी। और गाइस इधर आके ये डमी 4 आ जाता है हमारा, और इधर से भी हम निकल सकते हैं कहीं पर भी। तो इसमें हमको टास्क करने रहते हैं, तो मैं आपको एक बार क्रूमेट बन के भी दिखा देता हूँ गाइस। सो गाइस, तो हम बन चुके हैं क्रूमेट, और इसमें टास्क पहले से ही दिए हुए हैं कि ये करो वो करो। तो ये भी अपना टीममेट ही है, टीममेट मतलब ये तो अभी डमी है, पर अगर आप गेम में खेलोगे
तो वो आ जाएगा। और इधर से आप मैप में देख सकते हो कि कहाँ क्या हुआ है, कुछ गलत हुआ हो तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि ये इंसान मर गया है, मैंने ही मारा था वैसे तो, पर आप इसे रिपोर्ट करके इमरजेंसी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो गाइस। तो ये डमी है, बाद में ये इवेंट्स बहुत सारी होती है इसमें, अगर आप इम्पोस्टर हो तो आप इसका मज़ेदार फ़ायदा उठा सकते हो गाइस। तो इधर से जाके इधर हम जाएंगे और इधर से इसको यूज़ करेंगे और इसे दबाएंगे और बाद में ये शॉर्ट टास्क ही होगा शायद से। ये क्या हो रहा है? ओ भाई यार, ये क्या हो रहा है? ये कैसे करना होता है? सो गाइस, तो इधर मुझे पता चल गया कि इसमें क्या करना होता है। तो इधर एक टाइम आएगा, मतलब उधर एक टाइम का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नहीं, उसे आप क्लिक नहीं कर पाओगे, उतना टाइम हम वेट करना होता है। बाद में इसमें कुछ सिलेक्ट करना होगा और ये आप अपना टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने इजी इजी टास्क होते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ करना होता है। और दूसरी आपको एक टिप बता दूं कि ये जो कैमरा है, जब वो ग्लो कर रहा हो ना, तब ऐसा समझने का कि कोई हमें देख रहा है। अगर आप मैच में खेल रहे हो तो, अगर आप इम्पोस्टर हो और अगर वो कैमरा ग्लो कर रहा है तो उधर आप कुछ भी इम्पोस्टर की हरकत मत करना, क्योंकि वो रिपोर्ट कर देंगे आपको और आप मर जाओगे, मतलब आप गेम से बाहर निकाल दिए जाओगे। इसमें सब कुछ इजीली करना होता है, तो इसमें हम कर लेते हैं। और इसमें कभी कभी एरो भी दिए जाते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, इधर से हमको जाना होता है, तो ये रहा रास्ता हमारा, इधर से हमको जाना होता है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं। ये दूसरा है एडमिन, अगर हम एडमिन करते हैं तो हम सबको देख सकते हैं, मतलब जो भी बंदे जाएं हम सबको देख पाएंगे। और ये दूसरा एक टास्क है, हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसे स्वाइप करना है कार्ड को हमको। सो गाइस, तो इसमें हमको करना क्या होता है, सिंपली जो एरो है उधर तक हमको वो कार्ड को ले जाना होता है। और बाद में जब भी वो एरो का ख़त्म हो तो वो फट दे के कर लेना होता है स्वाइप कार्ड। तो इधर एरो पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहा है भाई। तो हाँ ठीक है, इधर हम आ चुके हैं। और इधर से ये वायर होता है, ये उससे ही कनेक्टेड होता है, तो ये हमको कर देना होता है सिंपली। और इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं गाइस, तो आप सिंपली ऐसे ही टास्क कंप्लीट करके मज़ा ले सकते हो। और अगर आपके पीछे कोई इम्पोस्टर पड़ जाए या फिर आपको पता चल जाए कि ये इम्पोस्टर है, तो जल्दी से आपको भाग के एक जगह आ जाना होगा जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, और उधर से आप रिपोर्ट कर सकते हो कि वो ही इम्पोस्टर है। सो अभी ये टास्क मैंने सारे कंप्लीट कर चुके हैं और ये फिर से आया है टास्क कंप्लीट करने का। सो फिर से हमको बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे। इसमें हमको होल्ड करना होता है। और गाइस यही वो जगह है जहाँ से हमको इमरजेंसी मीटिंग कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है इमरजेंसी मीटिंग, तो इधर से हम कर सकते हैं इमरजेंसी मीटिंग। पर ये एरो दिखा रहा है, हम एक बार और टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस, ये गेम बहुत ही सिंपल है, होप आप सबको ये समझ आ चुकी होगी अभी तक तो। और अगर कोई समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रखा है गाइस, प्लीज़ कमेंट कर देना कुछ अच्छा सा, या फिर कोई गलती हो गई हो तो वो भी कमेंट कर देना, कोई बात नहीं।
और मैं वो भी कर दूंगा। सो गाइस, ये टास्क बहुत ही कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा देर नहीं लगती है गाइस। ओ, इधर जाना है हमको। तो ये पूरा मैप आपको होप समझ आ चुका होगा। और इसमें अगर आपको कोई डायमंड मिले तो उसे जाने मत देना गाइस, क्योंकि वो रह जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। सब कुछ आपको जाने ही देना है। सो गाइस, अगर आप क्रूमेट हो तो आपको ज़रूर पता ही चल गया होगा कि कैसे खेलना है। और अगर वो इम्पोस्टर भी हो तो भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से समझाया है गाइस। पर फिर भी अगर कोई भूल रह गई हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट में बता देना। ये कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है गाइस। यूट्यूब वाले फ्री में देते हैं, कुछ उसमें पैसे नहीं लगते गाइस। तो प्लीज़ कोई कमेंट कर देना अगर आप खेलना चाहते हो या फिर मेरी गलती हो गई है। अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ये चैनल पे मेनली फ्री फायर से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस, और अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। सो चलिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। बट गाइस रुको, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इमरजेंसी मीटिंग्स करते हैं। तो ये जो बंदा मैंने मारा था, तो उसके पास जैसे ही हम जाएंगे तो ये रेंज बहुत ही हाई थी, इसलिए हमको इधर से ही पता चल गया। तो हम इधर जाएंगे तो नहीं आएगा, इतनी रेंज में से नहीं आता। इतनी दूर की रेंज में से हम रिपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हम रिपोर्ट करेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ आएगा, डेड बॉय हैज़ रिपोर्टेड। तो इसमें सारे सबने रैंडमली वोट कर दिया है गाइस। तो मैं किसी को भी वोट कर सकता हूँ गाइस, जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ गाइस। तो इसके दो वोट हुए, तो ये अभी बाहर निकाल जा जाएगा गेम से। सो गाइस, तो हम फिर से एक बार इमरजेंसी मीटिंग नहीं कर सकते। सो गाइस, हम कभी भी इमरजेंसी मीटिंग ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर आपको पता हो तो ही करना, या फिर आपको शक हो रहा हो तो ही करना। तो इसमें भी टाइमर होता है कि 12 सेकंड के बाद ही हम मतलब मैच के स्टार्ट होने के 12 सेकंड बाद ही हम इमरजेंसी मीटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैंने इमरजेंसी मीटिंग की है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसमें सब कुछ आएगा। तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बैन कर सकते हैं अगर टीममेट्स की इच्छा हो तो। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रहे गाइस, सॉरी गाइस। मैं आपको मैच खेल के भी दिखाऊंगा। सो गाइस, ये रैंडमली वोट हो गए हैं और इसमें मैं प्रोसीड कर देता हूँ। मतलब ये तो हमने ही किया था, तो इसमें नो वन वाज एजेक्टेड आया, क्योंकि दो जन के वोट सेम थे। या फिर अगर कोई वोट नहीं करता, छोड़ देता है, तो भी हम मतलब तो भी हम नहीं कर पाएंगे, मतलब हम नहीं जीत पाएंगे अगर कोई नहीं करता। सो इसमें ये टाइमर था, क्रू मेंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हैज़ ज़ीरो इमरजेंसी मीटिंग्स लेफ्ट। तो मतलब एक जन की कैपेसिटी थी दो करने की, मतलब दो इमरजेंसी मीटिंग करने की। तो वो मैंने कर लिया है, तो वो अभी नहीं कर पाएगा। मैं तो कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इम्पोस्टर हूँ ना। तो कोई बात नहीं, हमको नहीं करना है। चलिए जल्दी से हम किल कर देते हैं, और मैं आपको वेंट में घुस के भी एक बार दिखा देता हूँ ये किल, और बाद में दूसरा। अरे यार भाई, मिल जाओ। सो गाइस, ये तो रैंडम था, इसलिए कोई हिल भी नहीं रहे। अगर आप ऑनलाइन खेलोगे तो उसमें सब हिलेंगे और आपको वोट करेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही चला दिया था, मैं आपको उसमें भी दिखा रहा हूँ अभी। ओ भाई यार, कहाँ छुपे बैठ रहे हो।
तो ये कम्युनिकेशन, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। और आपको दूसरा भी मैं बता दूं कि हाँ, आप ये वेंट में से घुसकर जा सकते हो, कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ये वेंट का यूज़ करना, क्योंकि इसमें से आप फास्ट, बहुत ही फास्ट जा सकते हो गाइस। तो जैसे ही आप ये एरो को दबाओगे तो आप वेंट से जा सकते हो। सो इसमें आप सबोगेट कर सकते हो, मतलब उसमें से आपके टीम मेट को ये करना होगा। ओ भाई, तो ये इसमें आपको कोड डालना होगा, मतलब अगर आप रूममेट हो तो। ये तो ऐसे ही डमी गेम है इसलिए कुछ भी दिखा रहा है। तो हम चलते हैं इधर, ये कहाँ दिखा रहा है। इसमें भी टाइम होता है गाइस। नॉर्मली द इम्पोस्टर वुड हैव जस्ट वन, बिकॉज द क्रिटिकल सबोगेट सबोटेग इंस्टेड वी जस्ट शट ऑफ इट। सो गाइस, ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हो, सबोगेट कर सकते हो। अगर आप सबोगेट करोगे तो ये कुछ ये हो जाएगा। देखो इधर आप लाइट भी बंद कर सकते हो किसी की भी। तो इधर मैं लाइट बंद की है, तो देखो गाइस ये लाइट तो नहीं है नॉर्मली, ये दरवाज़ा है उसका। आप दरवाज़ा बंद कर सकते हो, जैसे कि अगर इधर आपको कोई बंदा मिल गया, मतलब कोई टीममेट मिल गया, टीममेट मतलब क्रूमेट अगर मिल गया और अब वो भाग रहा है, अगर आपको किल चाहिए उसकी, तो आप इधर से नॉर्मली बंद कर सकते हो सारे दरवाजे, तो वो नहीं भाग पाएगा गाइस। तो इधर सारे दरवाजे इसके बंद हो चुके हैं, इधर से कोई भाग नहीं पाएगा और आप आसानी से किल कर सकते हो उसके। तो यही थी आज की ये गेम। अब मैं ऑनलाइन में आपको दिखा देता हूँ, इधर से आप एडमिन भी कर सकते हो, वो तो मैंने आपको दिखाया ही था। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन गेम में। सो गाइस, तो मैं ये ऑनलाइन गेम स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये स्टार्ट हो चुकी है, मैं एंटर कर चुका हूँ गेम में। अरे यार, ये क्या हुआ यार, बाहर फेंक दिया, फिर से दूसरी गेम में ज्वाइन होते हैं। हाँ, तो ये दूसरी गेम में हम ज्वाइन हो गए हैं और ये इसमें हम बहुत ही फास्ट दौड़ रहे हैं। इसने भी 3x स्पीड रखी होगी भाई। तो चलिए मैच स्टार्ट हो चुकी है, हम बने हैं क्रूमेट गाइस। यार क्रूमेट क्यों बने भाई, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्रूमेट बनना अच्छा लगता है या फिर इम्पोस्टर। मुझे तो भाई इम्पोस्टर बनना ही अच्छा लगता है गाइस। तो ये मैच स्टार्ट हो चुकी है, मुझे तो शक हो रहा है वो पीले वाले पे यार ऐसी हरकत कर रहा है। तो ये रिएक्टर में आ चुके हैं हम भाई। अरे देखो गाइस, वो कहाँ से कहाँ दौड़ रहा है भाई। तो चलिए, ये मुझे मारने वाला लगता है भाई। ओ हैश, तो किसी ने रिपोर्ट कर दिया है, तो मैं किसको रिपोर्ट करूँ भाई। तो मैं तो रिपोर्ट करूँगा, वो लिख देता हूँ किसी, क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता किसी का। तो इसमें सबको हम किक भी कर सकते हैं, अगर सब ने किक करना चाहा तो। तीन जन अगर एक जन को किक करते हैं तो वो बाहर फेंक दिया जाएगा गेम से। तो मैं सबको कर देता हूँ, सारी गेम में मैं तो ऐसा ही करता हूँ सबको कर देने का। तो जो भी हो वो करे तो उसका फ़ायदा हो जाए ना। तो कौन हो सकता है भाई, तो ब्लैक को रिपोर्ट कर रहे हैं सारे, तो हम भी ब्लैक को कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लैक को ही करेंगे, तो हम लिख रहे हैं ब्लैक इज़ इम्पोस्टर। हाँ तो ठीक है, ब्लैक ही इम्पोस्टर होगा भाई। चलो यार, चलो भाई, ब्लैक को रिपोर्ट हमने कर दिया है, उसका नाम है इम्पोस्टर। तो लिखा हुआ क्या आएगा, इम्पोस्टर वॉज नॉट एन इम्पोस्टर। क्या कॉमेडी है भाई। ठीक है, तो ये दूसरी मैच स्टार्ट हो चुकी है गाइस। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी गाइस। हाँ तो गाइस, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, तो ये बहुत ही फास्ट भागने लगा है गाइस।
इमरजेंसी मीटिंग कर देते हैं, क्योंकि मैंने वो बंदे को देखा, उसने लॉक कर दिया था रूम। तो चलिए उसको वोट करते हैं कि वही है। चलो भाई, इतनी फास्ट लिख रहा हूँ मैं कि सोच भी नहीं सकते हो आप। तो चलो गाइस, हम वोट कर देते हैं पहले। चलो तो हम वोट कर देते हैं, तो उसको उसको ही सबने वोट किया है। तो चलो, अरे यार वो भी नहीं था, तो कौन था यार। सो कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं अमंग अस से रिलेटेड और फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप फ्री फायर खेलते हैं तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना गाइस। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। तुम सब अभी यही हो? फिल्म खत्म हो गई, घर जाओ यार। और ये सब पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न साफ कर लेना। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है या नहीं? अब जाओ।